ये आवाज सुन के कुछ लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज क्या बनेगा। तो हाँ, आज हम बनाएंगे ड्रीम केक, क्योंकि ड्रीम केक आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम रेडी करेंगे अवन। तो मेरे पास अवन तो है, लेकिन मैंने कभी कढ़ाई में नहीं बनाया, तो मैंने सोचा चलो आज कढ़ाई में ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कढ़ाई जो तले से थोड़ी सी मोटी हो, और अब उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देना है, और उसके ऊपर एक स्टैंड रख के उसको ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रख देना है। और अब ड्रीम केक बनाने के लिए हमें चाहिए एक डिब्बा। तो मेरे पास ये चॉकलेट का डिब्बा कब से पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो आज इसके अंदर ही हम ड्रीम केक बनाते हैं। इसका शेप गोल नहीं है, रेक्टेंगल है, लेकिन चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे। तो आज इसी डिब्बे में हम बनाएंगे ड्रीम केक। तो हमारा ड्रीम केक बहुत ही यूनिक होने वाला है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो ड्रीम केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें केक का बैटर रेडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मेल्टेड बटर। मेल्टेड बटर यहाँ पे मैंने 4 चम्मच लिया है, आप यहाँ पे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। और अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है 4 चम्मच दही और 4 चम्मच पिसी हुई चीनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब बोल के ऊपर रखेंगे एक छलनी, उसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा, 4 चम्मच कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट। और अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। दूध हमें एकदम से नहीं डालना है, हमें दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, जितना हमें चाहिए उतना ही दूध हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप दूध लिया है और उसको मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हम बैटर रेडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे दूध मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने पीछे से 1/2 कप और ऐड किया है। तो टोटल यहाँ पे मुझे 1 कप दूध लगा है ये बैटर रेडी करने के लिए। तो हमें कट एंड फोल्ड मेथड यूज करते हुए यहाँ पे बैटर रेडी कर देना है। तो ये देखिए हमारा बैटर एकदम रेडी है, हमें इस तरह का ही बैटर चाहिए। और अब केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 प्लेट, ये एल्यूमिनियम का प्लेट है, इसके अंदर मैं ढोकला भी बनाती हूँ, तो इसके अंदर ही आज हम बनाएंगे केक। तो सबसे पहले प्लेट को बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, आप इसे ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हो। तो एकदम बराबर से हम उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बटर पेपर। तो मेरे पास पूरा सर्कल वाला बड़ा सा बटर पेपर नहीं था, तो मैंने ये छोटा सा ही स्क्वायर वाला बटर पेपर ले लिया है और इसको प्लेट पे रख दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा से भी उसको डस्ट कर सकते हो। और अब बटर पेपर लगाने के बाद उसके ऊपर फिर से मैंने बटर लगा दिया है, और उसके बाद एक और बटर पेपर उसके ऊपर लगा के फिर से बटर से उसको ग्रीस कर दिया है। तो इस तरह मैंने मेरी प्लेट रेडी कर दी है। अब इसके अंदर जो हमने केक का बैटर रेडी किया था वो डाल देंगे, और अब उसको टैप कर लेना है। और अब ये जो हमने ओवन रेडी किया था, हमारा होममेड ओवन, वो भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसके अंदर हम ये प्लेट रख देंगे। अब इसे ढक कर 15 से 20 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे उसको पकने देना है। बीच बीच में 1-2 बार चेक करेंगे कि हमारा केक बन गया है कि नहीं। और अब हम बना लेते हैं व्हिप क्रीम। तो व्हिप क्रीम मैंने कभी नहीं बनाया, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्लूबर्ड का व्हिप क्रीम, जो रेडीमेड पाउडर आता है। तो इसका प्राइस है 60 रुपीज़, और इसका बनाने का पूरा मेथड पीछे वो दिया हुआ है कि कैसे बनाना है। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं व्हिप क्रीम। तो सबसे पहले ले लेना है 1 बोल, और इसके अंदर जो ये पैकेट है वो पूरा खाली कर देंगे। और अब इसके अंदर 100 ml ठंडा पानी ऐड करना है। तो मैंने ये जो मेरे पास जार था तो उसके अंदर मेजरमेंट करके 100 ml पानी लेके मैंने फ्रीजर में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब इसको डबल बीटर से व्हिप कर लेंगे। इसे हमें 3 मिनट तक कंटिन्यूसली व्हिप करना होगा, और इसको हाई स्पीड पे हम व्हिप करेंगे ताकि हमारी क्रीम है जो परफेक्ट बने। पीछे जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे, तो हमारी जो व्हिप क्रीम है एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने कंटिन्यूसली इसको व्हिप किया है हाई स्पीड पे। तो ये देखिए हमारी व्हिप क्रीम एकदम रेडी है और बहुत ही बढ़िया बनी है। तो परफेक्ट व्हिप क्रीम बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। मेरी तरह जो फर्स्ट टाइम व्हिप क्रीम बना रहा है वो इस तरह ट्राई करे, बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो इसे अब थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अब बना लेंगे चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमें ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और यहाँ पे मैंने 1 कप चॉकलेट लिया है और 1/2 कप दूध लिया है, और उसको ओवन में गर्म कर लिया है। तो ये हमारा इजीली फटाफट से चॉकलेट गनाश रेडी हो गया है। और अब हमारा केक चेक कर लेते हैं कि बन गया है कि नहीं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, इसके अंदर टूथपिक डाल के हम चेक करेंगे कि हमारा केक रेडी हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आ रही है, इसका मतलब कि हमारा केक एकदम रेडी है।
तो उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब केक के ऊपर रखने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने सोचा चलो घर पे ही कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक बॉटल, जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल आती है वो, ऐसी तो सबके घर में होती ही है। तो एक चाकू की हेल्प से उसे ऐसे ऊपर से कट कर लेना है। तो ये देखिए ऊपर का पार्ट हमने कट कर लिया है, और अब थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर से हमें एक कट लगाना है, और सीजर की हेल्प से उसे भी हम कट कर लेंगे। और इसको इस तरह कट करके एक रिंग हमें निकाल लेनी है, और ये रिंग को ऐसे मैंने नीचे से प्रेस किया है दोनों उंगलियों से, और ऊपर से भी ऐसे एक उंगली से दबाते हुए उसको प्रेस कर लेना है, और एकदम टाइट एक मिनट तक प्रेस करते रहना है। और ये देखिए हमारा हार्ट शेप बन गया है। तो इससे हम बनाएंगे हमारा जो डेकोरेटिव आइटम जो हम केक के ऊपर रखेंगे वो। तो उसके लिए मैंने ले लिया है बटर पेपर, और ये जो मोल्ड हमने रेडी किया है होममेड, तो उसके ऊपर हम डाल देंगे ये मेल्टेड चॉकलेट। तो मोल्ड के अंदर चॉकलेट डालेंगे और चम्मच से उसको इस तरह फैला लेंगे, ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, जहाँ तक मोल्ड है वहाँ तक ही थोड़ा थोड़ा फैला लेना है। तो ये देखिए हमारा हार्ट शेप का चॉकलेट रेडी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे, 5 मिनट में वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा चॉकलेट सेट हो गया है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए बटर पेपर की वजह से ये इजीली निकल जाएगा, और ये मोल्ड भी इजीली निकल जाता है। और ये साइड्स में से जो चॉकलेट निकली उसे नाइफ की हेल्प से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा हार्ट एकदम रेडी है। अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं, और इसके ऊपर लगाएंगे ये एडिबल ग्लिटर जो मेरे पास पड़ा हुआ था। और लकीली मेरे पास पर्पल कलर का एडिबल ग्लिटर है, जैसा मेरे पास डिब्बा है वैसे कलर का ही है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो मैंने एक ब्रश की हेल्प से ये एडिबल ग्लिटर ये हार्ट के ऊपर लगा दिया है। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट हार्ट एकदम रेडी है, जिसे हम केक के ऊपर डेकोरेशन करेंगे। और ये केक भी हमारा एकदम ठंडा हो चुका है, तो इसको निकाल लेंगे। ये प्लेट को मैंने पलट दिया है और पीछे से थोड़ा सा टैप किया है, और ये देखिए ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे तो केक एकदम हमारा बाहर आ जाएगा। तो बटर पेपर लगाया हुआ था तो बिल्कुल भी केक नीचे से चिपका नहीं है, और एकदम परफेक्टली कुक हुआ है। और अब केक का मेज़रमेंट ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का बॉक्स लिया है, तो उसके हिसाब से हमें इसको कट करना होगा। और केक के ऊपर बॉक्स रख के हम दोनों साइड से कट लगा लेंगे, इसको कट कर लेंगे। और ये साइड्स के पीसेस को हम एक प्लेट में ले लेंगे, और ये केक को ऐसे चाकू की हेल्प से उठाते हुए हम बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसको आराम से बॉक्स के अंदर रख देना है। तो आप देख ही सकते हो कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा, और ये जो साइड्स हमने कट किए थे वो भी साइड में जगह बची है उसके अंदर हम उसको सेट कर लेंगे। और अब उसके ऊपर हम लगा देंगे व्हिप क्रीम जो हमने रेडी की थी, तो उसको स्पैचुला की हेल्प से एकदम स्मूथली उसके ऊपर लगा देना है। और अब उसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट गनाश जो हमने रेडी किया था। अब चॉकलेट गनाश को भी हम स्पैचुला की हेल्प से फैला देंगे, और उसको 5 मिनट हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा गनाश अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम चॉकलेट के लिए लगाएंगे जो मेल्टेड चॉकलेट हमने यूज़ किया था हार्ट बनाने के लिए, वही चॉकलेट मैंने यहाँ पे लिया है, और उसको भी मैंने इसके ऊपर अच्छे से फैला लिया है, और उसको भी 5 मिनट फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। और अब ये लास्ट लेयर है हमारी कोको पाउडर, तो एक छलनी में कोको पाउडर लेना है और इसके ऊपर छिड़क देना है। और अब ये जो हमने हार्ट बनाया था वो उसको बीच में रख देंगे। तो ये देखिए हमारा ड्रीम केक एकदम रेडी है। ये केक देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एकदम यूनिक भी है। तो आपको ये केक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब उसको कट करते हैं और देखते हैं कि ये टेस्ट में कैसा है। तो चलिए फटाफट से उसको कट करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, और ये देखिए देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब लेयर्स एकदम क्लियर दिख रही हैं, और ऊपर से एकदम कड़क और अंदर से एकदम सॉफ्ट, तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी मेरे बच्चे टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए पूरा डिब्बा लेके बैठ गए हैं दोनों, तो दोनों को तो बहुत ही अच्छा लगा था। उन्होंने डिमांड की है कि मम्मा फिर से एक बार बनाना, तो मैं फिर से भी बनाऊंगी और आप भी बनाना। ओके, तो आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।